एंड आपको पता है कि कल जो है अयोध्या में राम मंदिर ओपन होने वाला है, नहीं पता इसके बारे में? जय श्री राम। आज भाई हमारा जो ब्लॉग है वो स्पेशली है राम जी के लिए, क्योंकि कल आ रहा है अयोध्या में राम जी का मंदिर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम भैया। कल राम मंदिर आ रहा है, चल रही है भाई रामलला की तैयारियां। और जय श्री राम। बाय बाय। जय श्री राम भैया। हाँ बस भाई मंदिर देख रहा हूँ अभी तो। नहीं चलिए मंदिर में बैठिए। राम राम भाई। वेलकम टू लिटिल लॉग। तो आज हमारी भारत यात्रा का दिन 166 और अभी हम हैं जोनाई में पासीघाट से तकरीबन 30 किलोमीटर पहले। वैसे तो आज भाई 21 जनवरी है, पर कल है 22 जनवरी। जिस दिन ये वीडियो आएगी उस दिन 22 जनवरी हो जाएगी। तो आज की स्पेशलिटी ये होने वाली है ब्लॉग की, जिससे भी हम मिलेंगे पूरा घूमेंगे भी, पर साथ साथ में जिसको भी मिलेंगे भाई उसको हम बोलने वाले हैं राम राम। तो देखते हैं भाई कि कैसा कैसा रिएक्शन आता है, क्या क्या लोग बोलते हैं और राम राम का रिप्लाई सब करते हैं नहीं, या किसको भी कितनी खुशी है, सब देखते हैं भाई। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। अभी हम अपनी स्टेज से तो निकल चुके हैं भाई, थोड़ा सा आगे जाएंगे बाय वॉक और भाई देखते हैं कुछ खा के आगे बढ़ेंगे पासीघाट की तरफ। कल मैंने कुछ खाया नहीं था तो उस वजह से पूरे दिन में जो है भूख थोड़ी ज्यादा लगी हुई है, अभी भी ज्यादा लगी हुई है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार आज तो पासीघाट बहुत पास में है, जल्दी पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा आगे चलते हैं बाय वॉक एंड खाना पीना खा के फिर बढ़ेंगे पासीघाट की तरफ। तो भाई यहाँ पे हमें कुछ लोकल मिले हैं यहाँ पे भाई, और लिफ्ट पुलिस वाला बोर्ड पड़ा है उन्होंने। सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए जितना हो सके भैया, अच्छा ट्रिप में जा रहे हैं। तो राम राम भैया। कल राम मंदिर आ रहा है, राम मंदिर, तो उसके लिए राम राम सबको। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। फिर चल रही है भाई रामलला की तैयारियाँ। जय श्री राम। तो गाइस आज हमें हमारी फर्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है आज की। और भाई आप जा रहे हो पासीघाट तक? पासीघाट। ओके, तो भाई लोग जा रहे हैं भाई पासीघाट। एंड आज भाई हमारा जो ब्लॉग है वो स्पेशली है राम जी के लिए, क्योंकि कल आ रहा है अयोध्या में राम जी का मंदिर ओपनिंग है कल। तो कैसा लग रहा है भाई आपको अभी? बढ़िया बढ़िया। राम जी का मंदिर ओपन हो रहा है, एक बार बोल दे जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पहले हमें उस गाड़ी में लिफ्ट मिली थी भाई, वो आप सामने देख सकते हो, और उनके दोस्त यहाँ पे हैं, उनको मिलने आए थे भाई ये रस्ते में। और ये जो रहते हैं भाई टटिंग नाम की एक जगह है जो कि चाइना बॉर्डर पड़ता है इंडिया और चाइना का, मतलब काफी दूर है। मेरे को भैया बोल रहे थे अगर जाना तो चले जाएगा, नहीं भाई बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा और प्लान बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो भाई अभी इस गाड़ी में हम जाएंगे पासीघाट तक, एंड पासीघाट जाके हम थोड़ा स्टे वगैरह ढूंढेंगे और घूमने की जगह देखेंगे वहाँ पे कौन सी अच्छी है। और क्योंकि मैंने सुना था कि भाई पासीघाट एक बहुत मेन जगह है अरुणाचल प्रदेश की, एंट्री गेट भी बोला जाता है इस तरफ से। सो लेट्स सी क्या होता है, अभी चलते हैं सीधा पासीघाट। सो भाई फाइनली हमें भैया ने यहाँ पे छोड़ दिया भाई पासीघाट में, और पासीघाट हम एंटर कर चुके हैं, पर जहाँ पे जाना है वो तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर बचा, और भैया को यहाँ पे थोड़ा काम है 1 घंटे का। तो ठीक है भैया बाय बाय और जय श्री राम। बाय बाय। जय श्री राम भैया। बाय बाय। चलो भाई चलते हैं। हाँ बस भाई मंदिर देख रहा हूँ अभी तो। नहीं चलिए मंदिर में बैठिए। हाँ ठीक है, चलिए मंदिर में चलिए। तो भाई हमारे यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट में भी अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है, तो रामलला यहाँ भी विराजमान है अभी। और चलिए अभी मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या होगा और कैसा प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे हमारा खाने का और रहने का दोनों प्रबंध इसी मंदिर में हो चुके हैं, और भाई यहाँ पे हम रामलला के दर्शन करेंगे अच्छे से। कल यहाँ पे भाई रैली निकलने वाली है, वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे भाई अंकल जी हैं, वो सामने आप देख सकते हैं भाई, वो अंकल जी हैं यहाँ पे, और इन्होंने हमारा जो है सारा प्रबंध करवा दिया यहाँ पे, खाने पीने का सब कुछ, रहने का भी भैया ने करवा दिया है। और काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ पे राम जी के दर्शन करेंगे और पूरी सेवा की जा रही है भाई अभी, और भी जो है दोपहर के लिए खाना रेडी हो रहा है। चलिए अभी हम अपना खाना खाते हैं और फिर से चलते हैं पंडाल में राम जी के दर्शन करने के लिए। आज का दिन भाई मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि आज सबके मुंह से मैं राम राम सुनना चाहता हूँ और सबको राम राम बोलूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि भाई राम जी खुद मुझे अपने पास ही बुला लेंगे और अपने पास रुकने के लिए बोलेंगे। कि भाई मैं आज यहीं से गुजर रहा था ऐसे ही, मतलब ये गलत रास्ता है, ये शॉर्टकट मारा था मैंने, और यहाँ पे मुझे रास्ते में पंडित जी मिले, उन्होंने रोका और उन्होंने भाई मेरे को अपने मंदिर के अंदर बुलाया और उन्होंने खाना वाना खिलाया और उन्होंने मेरे को रहने के लिए जगह भी दे दी। कहते कि हमारे यहाँ कल बहुत अच्छा प्रोग्राम है और जो अयोध्या में राम मंदिर ओपन हो रहा है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो है सेलिब्रेशन चल रहा है, पूरे भारत में जो है सेलिब्रेशन चल रहा है, तो यहाँ पे भी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं उस चीज़ का। और कल रामलला जो विराजमान होने हैं तब यहाँ पे भाई एक रैली निकलेगी, तो उन्होंने बोला है कि आप कल रात तक तो पक्का यहाँ पे रुक के जाइए, परसों यहाँ से जाइएगा। तो ठीक है भाई कल रात तक हम इसी मंदिर में रुकने वाले हैं, एंड अभी जा रहे हैं थोड़ा आसपास घूमने के लिए। एंड राम राम भाई, बहुत मज़ा आ गया, मतलब राम जी ने बोला कि भाई तुम अयोध्या में तो मुझसे मिल नहीं पाए, अयोध्या में तुम पहले चले गए, तो यहीं दर्शन कर लो मेरे।
तो चलो भाई बहुत अच्छी फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है अभी, तो चलो भाई थोड़ा आसपास घूमने चलते हैं। मैं पंजाब से। हाँ तो जर्नी आपका सोलो जर्नी? सोलो ट्रैवल, सोलो ट्रैवल। मैं तो अभी ढूंढ रहा हूँ कोई जगह पासीघाट में घूमने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए जगह तो आपका बहुत सारा है। 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर दूर है, मतलब जहाँ तक पैदल, फिर पैदल नहीं तो फिर बाकी। चलो ठीक है भैया, जय श्री राम। हाँ मैं मंदिर में रुका हूँ, ये मंदिर में रही हूँ, और हम लोग भी यहीं का मेंबर ही है। हाँ बस मैं भी यहीं रुका हूँ और कल भी यहीं हूँ उसी मंदिर में, बस तो निकलूँ मैं। वही भैया मिल गए थे जिन्होंने हमें पहले लिफ्ट दी थी, मतलब लास्ट वाली लिफ्ट, तो उन्होंने हमें थोड़ा सा और आगे छोड़ दिया है। अभी हम घूमने के लिए निकले हैं और यहाँ पे भाई दो चीज़ें मैंने चूज़ करी है, दोनों चीज़ें आपको दिखाता हूँ। दरअसल भाई जो मेजर पॉइंट्स हैं पासीघाट के, बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, जो वो पासीघाट जो सिटी है इससे थोड़े से दूर है, और मतलब आउटर साइड में बोल सकते हो आप, एंड इसी वजह से हम वहाँ पर नहीं जाएंगे आज के दिन में, क्योंकि आज अभी दोपहर के भाई 2:30 बज चुके हैं और यहाँ पर जो रात हो जाती है वो 4:30-5 बजे के आसपास पूरा अंधेरा हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं, एक स्टैचू है यहाँ पे, एक मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, और मैं आपको दिखा दूंगा और साथ में नाम भी बता दूंगा, तो एक बंदे का स्टैचू है वो दिखाएंगे आपको। उसके बाद हम चले घाट की तरफ, यहाँ पे घाट और पार्क बहुत मतलब सुंदर हैं, और वहाँ का सनसेट भी अच्छा होगा आई थिंक सो, क्योंकि घाट पे भाई मोस्टली जो है सनसेट अच्छे होते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या मिलता है देखने को। अभी हम अपनी फर्स्ट लोकेशन की तरफ आ चुके हैं भाई, और अगर आपने भाई चाइनी टॉक टू चाइना फिल्म देखी है, उसमें भाई एक बंदा होता है जिसके पास एक कैप होती है, वो कैप घुमा के मारता है और सबके गले वाले कट जाते हैं। तो इस स्टैचू को देखो, आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही फीलिंग आएगी। हाँ पर ये वो नहीं है भाई, मेरे को देख के वैसा लगा, तो मैंने एक बार आपको रेफरेंस दे दी हाँ कि आपको याद रहेगा ये कहाँ पे है। ये पासीघाट में एक जगह है भाई, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये डोनई पोलो एक नाम, मतलब यहाँ पे एक ट्राइब है उसके नाम पे, मतलब यहाँ पे बनाया गया है पूरा, और इसकी जो इनॉग्रेशन हुई है आप नीचे पढ़ सकते हैं। कि आसपास जो भाई लोकेशन है, मतलब जैसी मैंने मैप में देखी थी वैसी तो नहीं हुई है, मतलब अभी आसपास जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। पर हाँ यहाँ पे भाई जो शाम का व्यू है, और जो मतलब आसपास के जो पहाड़ हैं आप देख सकते हैं भाई, चारों तरफ इसके पहाड़ ही पहाड़ हैं, बैक साइड में इस तरफ सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो वो देख के थोड़ा अच्छी फीलिंग आती है। एंड काफ़ी सुंदर जगह है, मैं अभी यहाँ पे कम से कम आधा घंटा बैठ के धूप वगैरह ली मैंने, अच्छा लग रहा था, और शांति है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, और यहाँ की जो ट्राइब्स हैं सिर्फ सामने वहाँ पे आप देख सकते हैं झोपड़ी वगैरह बनी हुई है, वहीं पे वो रहते हैं हट्स वगैरह में, और यहाँ पे ये कुछ लोकल दो गर्ल्स, यहाँ पे इन्होंने मेरा जो है चैनल वगैरह सब्सक्राइब किया है, यहाँ पे मेरा नाम वगैरह पढ़ के, अभी इनसे कुछ बात बात करते हैं। इनका मैं आपको यहाँ पे नाम भी बता देता हूँ, जिनका यहाँ पे स्टैचू बना हुआ, उनका नाम है तलोम रुकबो, और इनको द गुरु भी बोला जाता था, और इनकी जो डेथ हुई वो हुई 2001 में, और इनका बर्थ था 1938 का। आपका नाम क्या है दोनों का? नरियांग। ओके आपका? ओके तो आपकी ट्राइब कौन सी है? हाँ नेपाली, नेपाली ना, ठीक है। और ये जो है एक इनकी ट्राइब का बना हुआ है धोनी पोलो, धोनी पोलो ना, तो ये धोनी पोलो मतलब इनका सन मून गॉड को माना जाता है ना, धोनी पोलो बोलते हैं उसको। ओके आप यहाँ रहते हो ना सामने, ठीक है। यहाँ की भाई लोकल गर्ल्स हमारी न्यू सब्सक्राइबर्स, हाई कर दो एक बार। एंड आपको पता है कि कल जो है अयोध्या में राम मंदिर ओपन होने वाला है? नहीं पता इसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ, कल बहुत बड़ा मतलब एक सेलिब्रेशन है पूरे इंडिया में, जिसको हम राम मंदिर के नाम से जानते हैं, और राम मंदिर बहुत बड़ा एक पिछले 500 साल की हिस्ट्री है उसकी, वो अब अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो एक बार आपको ये बोलना है बस, जय श्री राम, ठीक है? जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, ठीक है, बाय बाय। फर्स्ट प्लेस हमारी हो गई थी, अभी हम सेकंड प्लेस की तरफ आ चुके हैं, जिसका नाम है भाई कोमली घाट, और इनके साथ हैं यहाँ पे ट्रिपलिंग करके, और मतलब पीछे मेरे लिफ्ट वाला बोर्ड है तो उन्होंने पढ़ लिया था, तो चलिए अभी चलते हैं। और मेरे को पता है कि भाई जो रिवर साइड का सनसेट व्यू होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, तो यहाँ पे चलते हैं। आसपास की कुछ लोकेशन यही थी ऐसे, मतलब यहाँ के भाई एंट्री मतलब व्हीकल्स की एंट्री यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो हम बाय वॉक ही जाने वाले, सामने ही है वो जहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंड, वहाँ चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं यहाँ का कोमली घाट और वहाँ का सनसेट। इसका नेम क्या है वैसे? अमला, अमीना, हाँ ओके, ये तो कॉमन नहीं है वैसे। आपका नाम क्या? कोनिंग मोया। ओके चलो भाई अब सनसेट देखेंगे, फिर बाद में चलते हैं वापस अपने स्टे की तरफ।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई अभी हम आ चुके हैं कोमली घाट पे, तो हमारे साथ जो दो लड़कियां थी उनको ट्यूशन जाना था, तो वो भाई जा चुके हैं, 10th क्लास में थी वो। एंड ये भाई लोकेशन तो बहुत सुंदर है, अभी पीछे जो है सनसेट हो रहा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे एक दो वीडियोज़ बनाते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई अभी एंड कुछ फोटोज़ वगैरह खींची, वो अगर आपको देखनी है तो भाई इंस्टाग्राम पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जेठी ब्लॉग्स के नाम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए भाई अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट हम काफ़ी घूम चुके हैं, आज के लिए इतना काफ़ी होगा आई थिंक। एंड व्यू बहुत ही सुंदर है, जाने का मन तो नहीं कर रहा, पर रात हो जाएगी तो यही व्यू थोड़ा डेंजरस लगने लग जाता है, क्योंकि ठंड भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये सियांग रिवर है, इसे सियांग रिवर बोलते हैं, इसके बिल्कुल बराबर में बैठ के और भी ज़्यादा ठंड लगने वाली है। तो चलिए अभी यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं एंड दो चार वीडियोज़ बनाते हैं एंड वापस चलते हैं उसी मंदिर की तरफ जहाँ पे हम रुके हैं और राम राम करते हैं वहाँ पे जाके। तो गाइस हम गए थे भाई कोमली घाट की तरफ, जैसा कि आपको बताया हम वापस आ चुके हैं अपने स्टे पे एंड भाई मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पूरा मंडल सजा हुआ है एंड अंदर जो है अभी राम कथा दोबारा स्टार्ट होने वाली है, वो भी आपको सुनाएंगे। यहाँ पे भाई हमने शाम का खाना भी खा लिया था और भाई बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे और उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई मैं कौन कौन सी स्टेट घूम चुका हूँ और कहाँ कहाँ अभी आगे जाना है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं। मोस्टली लोग जो है वो नॉर्दर्न साइड के हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के गॉड थोड़े अलग है, तो यहाँ के लोग थोड़े से कम यहाँ पे आते हैं। और चलिए अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई राम तो सबके दिल में बसता है, हर जगह बसता है, तो हमारा तो भाई आज का दिन सफल हो गया, जो सुबह सोचा था कि आज राम राम कर देना है पूरे दिन में, तो वही हुआ। और अभी राम मंदिर में रुके हुए तो भाई इससे ज़्यादा राम राम क्या हो सकता है। चलिए भाई अभी थोड़ी देर में यहाँ पे राम कथा शुरू होगी, वो सुनेंगे, आपको भी सुनाएंगे। तो भगवान रामा ने मुझे सन्यासी से पूछा जो बाल ब्रह्मचारी था, भगवान रामा ने मुझे पूछा कि आपने अपने जीवन में कभी किसी से प्रेम किया है? उसने कहा प्रभु मैंने तो कभी प्रेम नहीं किया। हां थोड़ा सा पपी है आज गाएंगे, आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। तो गाइस अभी जो है सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है एंड कल सुबह है रैली, तो उसकी वजह से अभी हम जल्दी जल्दी सोने वाले हैं एंड यहाँ पे भाई खाने पीने की पूरी तैयारी चल रही है। भैया से मैंने पूछा तो भैया बताते हैं भाई 6000 लोगों का कल यहाँ पे खाना बनने वाला है और बहुत ही यहाँ पे बड़ी रैली होने वाली है। चलिए भाई आज का व्लॉग यहीं तक था, आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।